All right guys, so Godzilla Island की स्टोरी नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि Godzilla Island पर आगे क्या हुआ और इसकी कहानी को हम और आगे बढ़ाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। स्टोरी शुरू होती है कि टोरेमा सपने में देख रही होती है कि वो अपने प्लैनेट पे हरे Godzilla को रॉकेट लॉन्चर से मारने वाली है और इतने में ही उसकी नींद खुल जाती है और लुकस इन्फॉर्म करता है कि Godzilla ने फिर से जापान पर अटैक कर दिया है। ये जी कमांडर के पास में जाती है और उससे Godzilla के अटैक के बारे में पूछती है और उसे ये भी बताती है कि ये जैग्रेस की प्लानिंग है। लेकिन जी कमांडर के पास में गवर्नमेंट से ऑर्डर आता है कि वो Godzilla को अरेस्ट करे। उसके लिए वो Godzilla से फाइट करने के लिए सुपर एक्स 2 को डिप्लॉय करता है ताकि वो Godzilla को अरेस्ट कर सके और टोरेमा से कहता है कि वो Godzilla की काउंसल होगी Godzilla के ट्रायल में, जिसे सुनकर टोरेमा खुश हो जाती है क्योंकि उसे Godzilla को सही साबित करने का मौका मिल जाता है। अब Godzilla को हथकड़ियां पहनाकर खड़ा कर दिया गया है और उसका ट्रायल शुरू होता है। जी कमांडर Godzilla से पूछता है कि क्या तुम एडमिट करते हो कि तुमने आज दोपहर 3 बजे Yoraku City को डिस्ट्रॉय किया और टोरेमा Godzilla की बातें ट्रांसलेट करके बताती है कि Godzilla कह रहा है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लुकस उससे पूछता है कि लेकिन तुम तो आइलैंड पर भी नहीं थे। तो Godzilla कहता है कि कल रात में चांद बहुत खूबसूरत लग रहा था तो वो उसे निहारने मटांगो की तरफ गया था। मटांगो का नाम सुनकर लुकस कहता है कि इसने वहां जाकर अल्कोहलिक मशरूम खा लिए होंगे और नशे में चूर होके शहर डिस्ट्रॉय करने लगा। टोरेमा उससे पूछती है कि क्या तुमने वो मशरूम खाए थे Godzilla, और Godzilla कहता है कि थोड़े बहुत। लुकस कहता है कि तुम बहुत इनरिस्पॉन्सिबल मॉन्स्टर हो। और जी कमांडर मटांगो जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजता है और कहता है कि Godzilla का अल्कोहल टेस्ट होगा और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती Godzilla को यूं ही बंद रखा जाएगा और Godzilla को जेल में बंद कर दिया जाता है। और लुकस बताता है कि मेगालोन और बैट्रा आइलैंड पर पहुंच गए हैं और क्या रोडन और मोथरा इन दोनों से लड़ पाएंगे। जी कमांडर कहता है कि वो अभी सही शेप में नहीं है तो उनकी मदद के लिए मेका Godzilla और मोगेरा को डिप्लॉय कर दो। और वो टोरेमा से कहता है कि वो भी अपनी एयरशिप में बैठकर फाइट करे और टोरेमा भी निकल जाती है फाइट करने के लिए। मेका Godzilla, मोगेरा, रोडन, मोथरा सभी मिलके बैट्रा और मेगालोन से लड़ने लगते हैं और टोरेमा भी वहां पहुंच जाती है। जैग्रेस टोरेमा को देखकर शॉक होती है कि ये उसके जहर से बच कैसे गई और वो बैट्रा और मेगालोन को वहां से वापस आने का ऑर्डर दे देती है, जिससे दोनों मॉन्स्टर वहां से निकल जाते हैं। जी कमांडर अपनी जीत सेलिब्रेट करता है लेकिन तभी पता चलता है कि Godzilla जेल से भाग गया है। टोरेमा कहती है कि वो अपनी मासूमियत साबित करने के लिए जेल से निकला होगा। लुकस उससे कहता है कि तुम अभी भी Godzilla पे ट्रस्ट क्यों करती हो। ये सुनकर टोरेमा अपनी यादों में खो जाती है और वो देखती है कि वो रॉकेट लॉन्चर लेकर हरे Godzilla के सामने खड़ी है और उसके पीछे आवाजें आ रही है कि ये अब वो जिगोलाओ नहीं बचा जिससे तुम्हारी दोस्ती थी। और ये सुनकर टोरेमा जिगोलाओ के ऊपर रॉकेट छोड़ देती है। जी कमांडर उससे कहता है कि उसे पता है कि उसके प्लैनेट पर भी Godzilla जैसा एक क्रिएचर था जिससे उसकी फ्रेंडशिप थी और वो उसे बताती है कि उसका नाम जिगोलो था जिसे उसने अपने हाथों से मार दिया। और लुकस बोलता है कि Godzilla फिर से अपीयर हुआ है और वो सिटी के स्काई स्क्रैपर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और गवर्नमेंट का भी ऑर्डर आ गया है कि अब Godzilla को डिस्ट्रॉय कर दो। ये सुनकर टोरेमा वहां से भागती है और टोरेमा सिटी में पहुंच जाती है जहां पर वो Godzilla से आइलैंड पर वापस चलने के लिए कहती है लेकिन वो उससे बात नहीं करता और उस पर अपनी ऑटोमेटिक ब्रेथ छोड़ता है जिससे उसका शिप क्रैश होने लगता है। लेकिन उसका शिप क्रैश नहीं हो पाता, एक दूसरा Godzilla वहां पर अपीयर हो जाता है जो उसकी शिप को कैच करते हुए उसे बचा लेता है और वो अपनी ऑटोमेटिक ब्रेथ से इस दूसरे Godzilla के ऊपर अटैक करता है जिससे ये Godzilla की स्किन उखड़ जाती है और पता चल जाता है कि ये Godzilla फेक Godzilla है। तो रियल Godzilla अपनी ऑटोमेटिक ब्रीथ यूज करता है और फेक Godzilla को उड़ा डालता है और टोरेमा और Godzilla वापस Godzilla आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। जैग्रेस
ये सब देखकर हंसती है और वो बोलती है कि गॉडज़िला और टोरेमा की फ्रेंडशिप को वो एक दिन जरूर डिस्ट्रॉय कर देगी और वो दिन जल्दी आएगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये था गॉडज़िला आइलैंड का एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड में हमने देखा कि गॉडज़िला के ऊपर कैसे झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन गॉडज़िला ने अपनी मासूमियत साबित की और अपने हाथों से बेड़िया निकाल कर फेंक दी और सच्चाई की एक मिसाल कायम की। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।